आंसिप लीग 2020 में और ये आंसिप लीग 2022 में। फर्क सिर्फ इतना है कि 2020 में मिड सीजन में आकर बायर्न म्यूनिख को उन्होंने 6 ट्रिपल जिताया और 2022 में जर्मनी के साथ वो वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। जर्मनी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार दो बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हर एक लेजेंडरी क्लब मैनेजर नेशनल टीम में आकर स्ट्रगल करता है? इसके भी कई रीजंस है, बट वो रीजन जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। स्ट्राइक पड़ी थी आपके भाई को 7 दिन बिना अपलोड करने के बाद, पहला अपलोड है, तो प्लीज सपोर्ट कर, शेयर करें एज मच एज पॉसिबल और बेल वाली घंटी को दबाए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, तो पहले पॉइंट के बारे में आप लोगों ने नहीं तो मैंने कभी ना कभी बातें करी होंगी, प्लेयर्स प्ले विद द क्लब मोर देन द नेशनल टीम। 2 महीने या 1 महीने मिलते हैं उनको नेशनल टीम के साथ गुजारने में और उसमें उन्हें सेटअप करना पड़ेगा, तो आप ये सोचो कि कहीं ना छोटे से छोटे स्तर पर हो जाए बट अफेक्ट जरूर करता है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, वो टैक्टिक्स में हो, ड्रेसिंग रूम में हो, करता जरूर है और इसके लिए हमें अडेप्ट करना पड़ता है। और यही है हमारा सेकेंड पॉइंट, अडेप्टेबिलिटी। ये हर एक प्लेयर के पास वो स्किल नहीं होती अडेप्ट करने की, इसीलिए इतना जॉब हेक्टिक होता है एक नेशनल मैनेजर का, क्योंकि उसे पता है भाई हर कोई अडेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हर एक प्लेयर अलग अलग क्लब के लिए खेल रहा है। अगर आप मेजोरिटी ऑफ द क्लब्स फॉर एग्जांपल बायर्न म्यूनिख या फिर बार्सिलोना स्पेन उठाती है उनको, ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर आप अगली टीम को देखो, दूसरी टीम्स को देखो, तो उनके प्लेयर्स डिफरेंट क्लब से आते हैं, कोई रियल मैड्रिड, कोई बार्सिलोना, कोई पीएसजी, कोई भलते किधर खेल रहा है, कोई इधर खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है, तो उन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा, उन्हें टाइम लगता है क्योंकि उनका रोल अपने सिस्टम में अपने मैनेजर के साथ अलग होता है और जब वो नेशनल टीम में आते हैं उनका रोल अलग हो जाता है और यहाँ पर मैनेजर को समझाने में टाइम लगता है अपने प्लेयर को कि वो क्या चाहता है उस प्लेयर से, क्योंकि अगर वो नहीं समझा पाएगा वो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आप उसको उसके रोल में नहीं डाल रहे ना, क्योंकि उससे अच्छा एक बंदा उस टीम में अभी भी है और आप उसको रोल पे डालना चाहते हो और आप इस प्लेयर को गवाना नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल प्लेयर टू को आप गवाना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ प्लेयर वन, क्योंकि आपको पता है प्लेयर टू इज मोर यूजफुल इन अदर पोजीशंस, आप समझ रहे हो, और इसीलिए हर एक मैनेजर का काम यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है अडेप्ट कराने के लिए। और वैसे भी एक मैनेजर को 1 महीना 2 महीना ही मिलता है नेशनल टीम के साथ कराने के लिए ट्रेनिंग्स, उसके टैक्टिक्स सेटअप कराने के लिए, टीम को जेल कराने के लिए, इतने कम टाइम में कैसे हो गए एक मैनेजर से? और आपको पता है जब टीम में केमिस्ट्री नहीं होती टीम मैच हार जाती है, बेसिकली टीम गेट्स इंजर्ड और जब इंजरी होती है द रिकवरी टेक्स टाइम, और यही होता है नेशनल टीम्स के साथ कि रिजल्ट्स टेक्स टाइम। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि रिजल्ट आने में टाइम लगता है क्योंकि नेशनल टीम का प्रोसेस 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, वो 4 साल 8 साल 12 साल का प्रोजेक्ट होता है, इसीलिए एक मैनेजर को लंबे समय तक रखते हैं कि वो बंदा प्रोजेक्ट बना के जाए जिससे अगले मैनेजर को भी हेल्प हो सके। क्योंकि अगर आपकी गोल्डन जनरेशन चली गई और आपके पास उसके लिए रीइंफोर्समेंट नहीं है तो मैनेजर क्या करे, मैनेजर की गलती होगी क्योंकि उसने रीइंफोर्समेंट लिए ही नहीं, उसने ट्रस्ट ही नहीं किया अपने प्लेयर्स पर, यही बात हो जाती है। और यहां पर ही नेशनल टीम कोच का बहुत संभावने बढ़ जाते हैं भाई कि वो कैसे काम करता है, कैसा वजन बढ़ जाता है उसका उस टीम में, कि अगर उसने सेटअप कर दिया ये टीम को, ये 10 साल 12 साल चलती रही तो ये इसका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि क्लब का मैनेजरियल जॉब इज रिलेटिवली इजी देन नेशनल टीम वाला जॉब, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने प्लेयर्स मिल जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि 38 गेम्स होते हैं, आपको फलानी कंपटीशन खेलनी है, डिमकानी ट्रॉफी जीतनी है, ये ट्रॉफी जीतनी है, वो ट्रॉफी जीतनी है, बट फिर भी इट्स रिलेटिवली ईजी क्योंकि आपके पास अपनी टीम होती है, अपनी टीम, खुद की टीम। आप चाहते हो मेसी को, मेसी आ सकता है आपके पास अगर आप उसको पैसे दो, आप चाहते हो रोनाल्डो को, रोनाल्डो आ सकता है आपके पास अगर आप उसे पैसे दो, आ सकते हैं कोई भी प्लेयर्स। नेशनल टीम में ऐसे नहीं है, नेशनल टीम में आपके पास जो गुट्ठे हैं प्लेयर्स के आपको उसमें से रिजल्ट्स ग्राइंड करने हैं, और यहीं पर सीलिंग तय होती है एक मैनेजर की, क्यों कैसे निकालता है वो उन प्लेयर्स में से अपना बेस्ट और दिखाता है कि हाँ मैं इन प्लेयर्स के साथ कर सकता हूँ, चाहे ये प्लेयर्स बिलो एवरेज हो, एवरेज हो, बट मैं इनसे रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ। ये होती है एक मैनेजर की सीलिंग, जो टेस्ट होती है इन नेशनल टीम। और इसीलिए आपको देखते होंगे कि बहुत से ऐसे मैनेजर हैं जो क्लब को ही मैनेज करते हैं एंड ऑब्वियसली उनमें कैलिबर ना हो नेशनल टीम को मैनेज करने का, बट वो चूज भी नहीं करते नेशनल टीम को मैनेज करना बिकॉज इट्स रिलेटिवली मच हार्डर देन मैनेजिंग अ क्लब। और इसमें काम आती है आपकी मेंटालिटी, और यही है हमारा आखिरी पॉइंट, मेंटालिटी। क्योंकि हमें पता है कि नेशनल टीम में आपको सिर्फ 2 महीने मिलने वाले ट्रेनिंग करने के लिए पूरे साल में, बाकी टाइम अपने क्लब को देना पड़ेगा, यह सच बात है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे निकालू, ऐसे परफॉर्मेंसेस दूं नेशनल टीम के लिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहां पर प्लेयर्स की मेंटालिटी आती है, और इसलिए आप वर्ल्ड कप में देखते हो कि जो टीम बहुत टैक्टिकली साउंड
नहीं है या फिर कुछ ऐसी टीम हो ना कि डोमिनेट ही करते रहे और वो वर्ल्ड कप जीत जाए, वो बहुत कम होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीम्स होती है जो वर्ल्ड कप जीतती है जो मेंटली स्ट्रांग है, तो उन्हें पता है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें अडैप्ट करना पड़ेगा, इससे अडैप्ट करना पड़ेगा, वैसे अडैप्ट करना पड़ेगा। वो टीम मेंटली स्ट्रांग होती है, उसका मैनेजर मेंटली स्ट्रांग होता है एंड ऑब्वियसली वो वंडर्स कर जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आई हो, समझ आई हो और पता चल गया हो कि क्यों इट इज मच हार्डर टू कोच अ नेशनल टीम देन अ क्लब। मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से क्या, कमेंट्स में बताना और जरूर प्लीज सपोर्ट करो भाई, क्योंकि आपका भाई अभी अभी स्ट्राइक से लौटा है यार, 7 दिन नहीं अपलोड किया, रीच डेड है अपनी यार, तुम अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, 2 की के रस्ते पर है हम, जल्दी सपोर्ट करो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद, और सब्सक्राइब कर लेना जरूर भाई, क्योंकि कंटेंट आ रहा है रस्ते में।